स्त्रियां हों या पुरुष, सारे कपड़े उतार कर कहीं भी स्नान नहीं करना चाहिए, ना घर के बाहर ना घर के अंदर। कुछ भी वस्त्र होना चाहिए, अंग वस्त्र। पृथ्वी हमारी माता है। जैसे हम लोग छोटे छोटे होते हैं ना, तो हम लोग तो हम सब लोग ही छोटे में निर्वस्त्र ही घूमते थे। माँ ही हमारा मलमूत्र साफ करती थी, माँ ही हमें चड्डी पहनाती थी, कपड़े पहनाती थी। पर वही माँ जो माँ आपको कपड़े पहनाया करती थी कल तक, अब आप क्या उस हाल में अब थोड़ी तुम माँ के सामने वैसे जाओगे जैसे तुम बचपन में थे। बचपन में तो आप कपड़े नहीं पहनते थे, तो माँ की गोद में तुम ऐसे ही जाके बैठ जाते थे। लेकिन क्या अब बैठ जाओगे? अब नहीं, तब तो बच्चे थे, समझ नहीं थी, तो मजबूरी थी। छोटे छोटे बच्चे, कुछ ज्ञान नहीं होता, ठीक है। पर अब शोभा नहीं देगा। उसी तरह ये पृथ्वी भी हमारी माता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम पृथ्वी के ऊपर भी नंग धड़ंग घूमते हैं, लेकिन अब बड़े हो गए हैं, समझ हो गई है, तो ये भी हमारी माता। जैसे इस माता से पर्दा करते हो, ऐसे इस माता से भी पर्दा किया करो। ऐसे नहीं कि कहीं भी आप, अब जैसे कुछ लोग खड़े होकर के लघु शंका करते हैं, खड़े होकर लघु शंका ये भी अमर्यादित है। बैठ करके ही लघु शंका करनी चाहिए। इसलिए तुम्हारे बाप दादे धोती कुर्ता पहनते थे, तो धोती में तो बैठ के आप कर सकते हैं, पैंट में बैठ के करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पैंट में तो खड़े होकर कुत्तों की तरह मूंदने की व्यवस्था है। इसलिए पश्चिमी सभ्यता आपको जानवर बनाती है और भारतीय संस्कृति आपको इंसान बनाती है। इसलिए हमारी ये धोती की जो परंपरा रही है, ये धोती क्यों पहनी जाती है? धोती पहनने के बहुत फायदे हैं। धोती पहनने का फायदा बताओ क्या? सबसे पहला तो प्रॉपर हवा मिलती है बॉडी में। इतना मोटा पैंट तुम पहने हो, खुजली हो जाती है तुम्हें, पर मानते नहीं हो, फैशन में ही मरना है। पहला फायदा कि धोती हल्की होती है, सुव्यवस्थित होती है। दूसरा फायदा, पहले के जमाने में कुएं ज्यादा थे, कोई कुआं में गिर गया या पानी निकालना है बाल्टी से और रस्सा सा है नहीं, तो पहले अपनी धोती खोलो, और कोई गिर भी गया हो तो उसको भी रस्सी का काम कर जाएगी, रस्से का धोती, क्योंकि जो हम धोती पहनते बहुत बड़ी होती है, कुएं तक अंदर तक चली जाएगी। और बड़ी करना हो तो 20 से फाड़ दो, दो कर दो तो भी मजबूत रहेगी, टूटेगी नहीं। कुएं से पानी भी निकाल लो, कोई गिर गया है तो जान बचाने के भी काम आए, तो ये फायदा है। दूसरा, इससे आप बैठ के लघु शंका कर सकते हैं। पैंट में ये व्यवस्था नहीं है। धोती भारतीय पहनावा है। धोती को हमारे भगवान भी धोती ही पहनते थे, इसलिए रामानंद सागर जी ने जो रामायण और कृष्णा बनाया है उसमें भी उन्होंने धोती का लिबास ही रखा है। धोती पहन के भगवान जी ना गए हैं, तो धोती सबसे उत्तम पहनावा है भारतीय, सबसे कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमारे योद्धा जितने थे वो धोती पहन के युद्ध करते थे। पहले की माताएं भी ऐसे धोती नहीं पहनती थी जैसे आज पहनती हैं, कांच लगाकर पहनती थी। पुरुष लोग आज भी कांच लगाकर ही धोती, हम लोग भी कांच लगाकर ही पहनते हैं। और लांग लगाकर कांच पहनकर ही धोती पहनना चाहिए, बताओ क्यों?
क्यों क्यों? एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यदि धोती कांच लगाकर पहनी जाएगी तो जो पृथ्वी हमारी माता है उस माँ बेटे की मर्यादा बनी रहेगी। आज और तब में बहुत अंतर आ गया है। पहले लोग धोती पहना करते थे, सिर्फ धोती पहना करते थे और कुछ नहीं था पहनने के लिए। अब तो पहनते हैं लोग। पहले लोग लंगोटी लगाते थे, लंगोटा, फिर महिलाएं हों पुरुष हों सब कांच लगा के ही धोती पहनने का रिवाज था। आज भी महाराष्ट्र की महिलाएं कांच लगा के ही धोती पहनती हैं, आज भी जो बूढ़ी हैं पुरानी हैं। वहां कुछ कुछ नई बहुएं भी कांच लगा के पहनती हैं, क्योंकि वहां का रिवाज है। ठीक है, परंपराएं कहीं कहीं बची हैं भारत में, कोने कोने में इक्का दुक्का बची हैं। तो आप भी अपने बच्चों को धोती पहनाओ। हम तो चाहते हैं कि हर स्कूल में यूनिफॉर्म में धोती कुर्ता ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यही भारतीय पहनावा रहा है। हम तो जब से हो संभाले हैं तब से धोती ही पहनते हैं, बिना धोती के नहीं, कांच लगाकर ही पहनते हैं। यही हमने अपने दादाजी को देखा, पिताजी को देखा, वही रास्ते पर चल रहे हैं। बहुत पहले से हमने पैंट वेंट छोड़ दिया था, बचपन में पहनते थे छोटे से थप। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। शुद्ध भारतीय हैं, भारतीय खाना पीना, भारतीय लिबास, भारतीय रहना, भारतीय भाषा, सब कुछ भारतीय है। हम जिस देश की खाते हैं उसी की बजाते हैं। ऐसा नहीं कि खाएं भारत की और बोले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, नहीं, जय श्रीमन्नारायण। भारत के हैं, भारत की बात करेंगे। क्यों मेरी माँ, संडे के संडे अपने बच्चों को भी धोती कुर्ता पहनाया करो, सीखेंगे। अपने पतियों को भी बोला करो, संडे के संडे तो कम से कम धोती कुर्ता पहनो, माथे पर तिलक लगाओ।